वेलकम बैक बच्चों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ्टो एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के बारे में कि कितना कंटेंट आपको पढ़ना है और उसमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कहाँ से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद फिर वीडियो को एंजॉय करिए। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा जो M2 मॉड्यूल है, M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर्स विद HTML बेसिक्स। तो ये बच्चों 25 मार्क्स का आएगा, 25 मार्क्स का ये कवर करेगा। CSS आपको आएगा, ये भी लगभग CSS भी आपका 35 मार्क्स का आएगा, 20+15, क्योंकि CSS फ्रेमवर्क और CSS जो है उस पे वर्क, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर जो है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर, जो है जावा स्क्रिप्ट बच्चों बिल्कुल बेसिक आएगा, बेसिक आपका 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद फोटो एडिटर है, फोटो एडिटर में हम लोग अडोब देखेंगे और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग है, तो ये 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला करके आपको 100 मार्क्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बच्चों आपने ऑलरेडी IT टूल्स में पढ़ी होंगी, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW वेबसाइट, वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स, वेब पेज, फ्रंट एंड, ठीक है ना, बैक एंड, क्लाइंट एंड सर्वर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो ये सब बच्चों जो है आप इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन आप IT टूल्स में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट होगा वो है एडिटर्स, ठीक है ना। एडिटर्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे, डाउनलोड फ्री एडिटर लाइक नोटपैड प्लस, सबलाइन, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, और मेकिंग ऑफ यूज एडिटर्स, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग सेविंग। तो बच्चों ये दोनों सॉफ्टवेयर हम लोगों को सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखना है कि किस तरीके से हम लोग सबलाइन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर HTML बेसिक है जो कि एक पूरी लैंग्वेज है और इसमें हम अलग अलग तरीके की चीजें जो है सारे कोड करंट टाइम पे कोड बना करके, कोडिंग करके और उनको रन करके देखेंगे, ओके। फिर है बच्चों आपका CSS, तो CSS भी हम करंट टाइम पर ओपन करके और इसको रन करते हुए चलेंगे, ओके। फिर आया बच्चों आपका फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क देख लेते हैं। फ्रेमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं है, जो CSS का फ्रेमवर्क है वही सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3 CSS फ्रेमवर्क और ये सब चीजें हम लोग वन बाई वन करके थोड़ा थोड़ा इसका समझते चलेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट का, तो जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट है, ऑपरेटर्स इन JS है। तो बच्चों ये चीजें हम लोग पाइथन में भी पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी चीजें चेंजमेंट हो जाएंगी और ये सारा कंटेंट आप पाइथन में भी पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे फोटो एडिटर में। तो बच्चों फोटो एडिटर में देखिए फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग टूल्स, फिर उसके बाद पेंट है, ट्रांसफॉर्म टूल्स है, ठीक है, टेक्स्ट टूल्स है, लेयर्स है, ब्रशिंग है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर बच्चों वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग है, इसमें हम लोग जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्च एंड मेटा सर्च इंजन, तो ये सब क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपका जो वेब डिजाइनिंग है वो बच्चों पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं हमारे ओ लेवल का जो कंटेंट आने वाला है उसको बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।